हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी चल रही होंगी। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में आप सभी का, जहां पर हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीख रहे हैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी और मज़ेदार ट्रिक। और साथ के साथ सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जिनको हम कर रहे हैं फटाफट अंदाज में। तो इसी सीरीज की अगली वीडियो के साथ तैयार हूँ मैं एक बार फिर आपके साथ। तो आप भी तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर और करते हैं क्वेश्चन फटाफट। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर n इजिकल टू √32। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 की पावर n बराबर √32। तो बताइए 2n की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ चीज़ें आपको पता हैं, अभी तो हम इसे डायरेक्ट कर देंगे कि ये 32 हमारा होता है। 32 क्या होता है बच्चों? 32 होता है 2 की पावर 5, और ये रूट आएगा तो बटे में हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। अब कैसे हुआ ये क्वेश्चन, समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो हमने समझा, एक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि 2 की पावर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछी जाती हैं, तो आपको याद रख लेनी है। कुछ चीज़ें आपको कहाँ याद हैं, कुछ और आगे भी याद करनी है। ये जो 2 की पावर है ये up to 10 तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूजुअली ये पूछ ली जाती हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की घात 6 होता है 64। 2 की घात 7 होता है 128। 2 की घात 8 होता है 256। फिर 2 की घात 9 होता है 512। और 2 की घात 10 होता है 1024। वही 1024 जिसमें हम 1 GB में बोलते हैं ना, 1 GB में 1000 MB नहीं होती है, कितनी होती है? 1024। सब कुछ 2 के फंडे पर चलता है। आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड 2 का था, फिर 4 का आया, फिर 8 का, फिर 16 का, 32 का, 20 का थोड़ी ना आया कभी, 25 का थोड़ी ना आया, या कह दिया हो किलो 15 का आया, नहीं, ये 2 की पावर में ही चलता है। फिर 64 का, 128, इस तरह से ही आते हैं। रैम 512 की होती थी, फिर 1024 यानी 1 GB की होने लगी, तो वो 1024 होते हैं, क्योंकि ये पैटर्न किस पर काम करता है? 2 की पावर पर, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3, 27, 4 तो 81, और 3 की घात 5, 243। अब ये चीज़ें कॉमन यूज होने वाली हैं एग्जामों में, तो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब जब आपने ये चीज़ें याद कर ली, तो यहाँ से आप क्वेश्चन करोगे कि 2 की पावर n बराबर 32√। अब 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आधार एक से करने होंगे तभी तो कटेंगे, अगर समान ही नहीं करोगे तो कटेंगी कैसे वैल्यू। तो समान करने के लिए 2 की घात 5 करा, और ये √। √ को जब हम करनी में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, तो घात में लिखते हैं, तो 1/2, 1/2। अभी 1/2 की गुणा 5 में होगी, घात पर घात होती है तो क्या होती है? गुणा होती है। गुणा होती है तो कितना आएगा? 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 5/2। इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अब ये कट जाए इसीलिए तो हमने बराबर करा था, 2 से 2 कट गया, तो n की वैल्यू क्या बची? 5/2। अब ये तरीका था, लेकिन अगली बार से जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आप जैसे मैंने पहले किया इस तरह से फटाक से कर देंगे। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप दबा के लाइक और शेयर करते रहिए, है ना, जिससे हमें भी उत्साह मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 + 13 + 14 और कहाँ तक? 30 तक। तो कैसे करेंगे? हमें 1 से नहीं पता है ना, हम 1 से 30 तक का योग निकालेंगे। कैसे? 30 और 1 = 31, 31 / 2, और इसमें से घटा देंगे क्या? 11 तक का योग, तो 11 × 12/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा?
ये आप इसे गुणा कर लेंगे, 3 3 1 3 और 3 3 9 बटे 2 माइनस 132 बटे 2, ये आपने घटाया, ये 8 9 और ये बचे 8, 8 में से गए 7 बटे 2, कितना आ गया 399, है ना। पहले 3 बार गया, फिर 1, फिर 9 9, 399, यही ऑप्शन हो गया। किस तरह हुई चीज़ें अब समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हम कैसे आए, पहले सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4, और कहीं तक भी हमसे पूछा हो, सपोज एन तक वैल्यू पूछी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एन एन प्लस वन बटे दो। अब ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 से स्टार्ट हुई हो वैल्यू और लगातार हो, 1 से स्टार्ट हो, कहीं तक भी पूछा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये जो हमें दिया है 12 + 13 12 + 13 + 14 30 तक, नहीं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो उसने हमें दिया 12 + 13 + 14 और कहाँ तक, 30 तक। अब जब ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से कहाँ तक, 30 तक, हो गया 1 से स्टार्ट। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई सर जी, ये तो फालतू लिख लिया आपने, फालतू लिख लिया ना ज़बरदस्ती अपनी तरफ से, नहीं, हमने जो भी एक्स्ट्रा लिखा है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 11 तक का फालतू है ना इसमें, 1 + 2 + 3 और कहाँ तक, 11 तक, इतना ही तो एक्स्ट्रा लिखा था, ये घटा दिया, इतना जोड़ा एक से बनाने के लिए, फॉर्मूले में बनाने के लिए ये सब चीज़ें हमने लिखी और फिर वापस घटा दी ये सब। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा क्या, यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई 30 और यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई 11, तो 30 30 और 1 31, एन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बटे 2 और माइनस यहाँ 11 और गुणा 12 बटे 2, ये फॉर्मूला। तो ये चीज़ें क्लियर है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या आने वाला हमारा 399 आने वाला है जो अभी सॉल्व किया है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा समझनी है तो हमारे कंटेंट लेक्चर जो हैं उसमें आप देख लेंगे, जहाँ चीज़ें डिटेल में बताई हैं, बहुत डिटेल में सभी को बताया गया है अच्छे से, जिससे बारीकी से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अभी क्योंकि हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हर चीज़ बेसिक से बताई है, उसके लिए आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं पीछे जाकर, है ना, नंबर सिस्टम में है ये वीडियो, वहाँ से देखेंगे और उन चीज़ों को भी शेयर करेंगे तो हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हमने यहाँ से फॉर्मूले लगा दिए, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पीछे क्लासों में, तब हम यहाँ पर अब प्रीवियस ईयर फटाफट कर रहे हैं, और ये भी आप करोगे तो यहाँ भी हम चीज़ें को बताते जा रहे हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी सी मेहनत करोगे, हमारा साथ लगे रहोगे तो 15 out of 15 दूर नहीं है, बिल्कुल आप भी करोगे और पूरे के पूरे मार्क्स लेके आओगे मैथ में, यही विश्वास के साथ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3 सही 1/2 +5 सही 1/6 +7 सही 1/12 +9 सही 1/20, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को करने बैठ जाएं पूरा पूरा तो समय लग जाता है, थोड़ा ऑप्शन से मदद लेते हैं और थोड़ा डायरेक्ट करते हैं ना, भाई दे तो रखे ना ऑप्शन, छाटना तो ऑप्शन में से ही है ना, ऑप्शन ना दे तो भी भाई ऑप्शन दो पहले, बेतुके सवाल हम बिना ऑप्शन के थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, अब यहाँ आपको ये नहीं करना है, मैं बताता हूँ, देखो 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24, 24 तो हो गए मेरे पूरे पूरे अंक, और प्लस कुछ और ये और बच जाएगा क्या, 1/2 1/6 1/12, खैर जो भी ये बचेगा अभी नहीं पता है। अब यहाँ देखते हैं कि लगभग 24 कंप्लीट किससे आ रहा है, आप देखेंगे 5 से इसमें भाग देंगे तो
तो 24 पंजे 120 है ना, 24 प्लस कुछ आएगा यहाँ पर है ना, कुछ बचेगा यहाँ देखेंगे तो 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11, ये तो 11 ही रह गए ना पूरे अंक। यहाँ ये तो 15 है, यानी यहाँ भी नहीं आएंगे। इस 7 वाले को देखते हैं, तो 7 एकम 7 बचे कितने, 5 0 7 7 49, ये भी पूरे अंक 17 रह गए, तो ऑप्शन मेरा यही हो गया। ये बात समझे, फिर से समझ लीजिए, एक बार इसको सॉल्व करके देखा, एक बार थोड़ा सा इसको इसको, क्योंकि मुझे 24 पूरे अंक चाहिए। पूरे पूरे अंक कितने हैं, 3 है 5 है 7 है 9 है, पूरे अंक 24 हो रहे हैं और प्लस कुछ और है ये समथिंग, तो 24 से बड़ा है और 24 से बड़ा यहाँ पर एक ही आंसर है उसके आसपास, तो बस ऐसे ही टिक हो जाते हैं। तो इन्हीं बेहतरीन तरीकों को आप सीखते रहें और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करती है क्या कहलाती है बच्चों, HCF कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटे, इन सभी को बड़ी से बड़ी संख्या क्या काटेगी। अब देखो HCF हम ऐसे समझते हैं, लेकिन मैं और भी आपको बता देता हूं कैसे कैसे हम करेंगे। 24 36 60, वैसे तो आपको HCF आता है, आसानी से HCF लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे 12 HCF है और 12 इसका आंसर भी है, हम और कैसे ले सकते हैं। देखो जब HCF लेते हैं तो एक फटाफट वाला तरीका है कि आप 2 से जब तक काटो जब तक तीनों कट रहे हैं, क्यों, क्योंकि तीनों काटने हैं ना संख्या। HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी का फैक्टर हो, कॉमन हो। तो आपने पहले 2 से काटा, कितनी बार हो गया, 12 12 18 और 30, ये फिर 2 से काटा कितना हो गया, 6 9 10। अब ये तो 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है ये नहीं कट रहा, तो 2 से नहीं काटेंगे, वही काटेंगे जो तीनों कट रहे हो, यानी कॉमन फैक्टर ढूंढना है। एक मिनट, हमने कुछ गलत कर दिया, ये 2 से काटा 30 और ये 2 से काटा तो 15, हाँ 15 है ये। ठीक है, अब जो 2 सभी कटे वो ही काटना है, तो क्या कटना है सभी से, 3, तो 3 कटेगा, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि तीनों कटते हो तो अब नहीं कटेंगे, तो ये ही हो गया क्या हमारा कॉमन फैक्टर, 2 2 4 12, 2 गुना 2 गुना 3 12, ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन, और कॉमन कुछ अब है नहीं। और बड़े सिंपल तरीके होते हैं, 24 है 36 है 60 है, आप कॉमन लेते चले जाओ जब तक आ रहा है। मैंने पहले 2 कॉमन ले लिया, 4 दिख रहा है मुझे, मैंने 4 कॉमन ले लिया, कितना बचा, यहाँ बचा 6 यहाँ 9 और यहाँ 15, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 3 और आ रहा है, 4 तो ले लिया था मैंने, 3 और ले लिया, 2 3 5, अब कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन हो गया, 4 गुना 3 ही हाईएस्ट कॉमन हो गया। खैर बहुत से तरीके हैं, आप इनको और डिटेल में सीखोगे लेक्चर्स में, जो लेक्चर वाली वीडियो है। अभी आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, 1.2 डिवाइड बाय 0.03, 0.12 डिवाइड बाय 0.03 इंटू 0.01। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, तो 0.12 अपॉन 0.03 और फिर गुणा करते हैं 0.01 की। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2 और यहाँ भी कितने 2, बराबर हिसाब बराबर दोनों का, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 3 चौक 12, 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 एकम 4, लेकिन पॉइंट के कितने अंक हैं, यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ 2 हैं, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, और ये आ गया आंसर। बड़ा सिंपल है, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, जब पॉइंट के ऊपर नीचे अंक बराबर होते हैं तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, और नहीं होते तो करके काट देते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.8 अपॉन नीचे मैंने लिखा 0.3, तो ऊपर एक अंक है नीचे 2, ऊपर और नीचे दोनों बराबर बना लो और पॉइंट से पॉइंट काट दो, कैंसिल हो गया, आप आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हो, गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन बनाइए, सभी वीडियो देखिए। आगे आते हैं, किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है।
किसी संख्या का 60% है, उसमें 200 और जोड़ दिया, यानी कोई नंबर है n, उसका 60% तो है और प्लस 200 है, तो वापस वो संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यानी ये 200 क्या हुआ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, गांठ बांध लो इस बात की, कितनी होती है अपने आप में 100%। अब उसका 60% की बात तो कर दी, तो कितना और बच गया, 60 की बात हो गई तो 40 और बच गई ना, तो 40% किस, 40% यानी ये जो 200 है ये वैल्यू है 40% की। हमसे पूछा है संख्या, संख्या होती है 100%, बस इतना ही सॉल्व करना है। अब इस 40 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 की गुणा हो जाएगी तो 500, ऑप्शन फर्स्ट है ना, यही आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया, 200 जोड़ा है जबकि बचा कितना था 40, 40% 60% तो है, 40 और जोड़ना है 100 हो जाएगी, लेकिन उसमें कितने जोड़े अंक, जो 200% में है 40, हमें निकालने हैं पूरे यानी 100%, जो हमारा 500 आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट बिना देर करें। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 1:5 के अनुपात में है, यदि इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 है और 5 है, देखो तो अल्कोहल जो है हमारा जल से कितना अधिक है, 4 पॉइंट अधिक है, ये कितना बता रहा है 2 लीटर है ना, कितना बता रहा है ये 2 लीटर बता रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट कितने का हुआ है हमारा, 2/4 यानी कि 0.5 लीटर। अब पूछ क्या रहा है जी, पूछ रहा है कि मिश्रण में जल की मात्रा, तो जल की मात्रा तो हमको पता है ना 5 है, जल की मात्रा कितनी है जी, जल है हमारा 5 पॉइंट, तो 5 में ही गुणा कर लो किसकी, 0.5 की, तो 5×5=25, 2.5, एक अंक हो गया ना, एक अंक पर पॉइंट है, ये हमने पॉइंट लगा लिया। बड़ा सिंपल था, 1:5 के अनुपात में है, जितना अधिक है वो कितना है 2 लीटर, तो 4 पॉइंट अधिक है, 1 से 5 4 ही तो अधिक है, तो 4 पॉइंट = 2 लीटर, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाली और जल के बराबर यानी 5 पॉइंट के बराबर रख दी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 5 के प्रथम 12 अपवर्त्यों का औसत ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 multiples of 5, 5 के प्रथम 12 multiples। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जो आप टेबल पढ़ते हो उसी को मल्टीपल या अपवर्त्य कहते हैं, है ना, तो 5, 5×2=10, 5×3=15, 5×4=20 और कितने, 5×12 यानी 60 तक, ये हैं, इन सभी का औसत है। अब औसत का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है जी औसत का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, लेकिन कुछ और भी आसान चीजें देखते हैं, जब भी हमारी संख्याएं कैसी हों, एक समांतर श्रेणी में हो, देखो 5-5 का अंतर है ना, याद रख लेना है, हमें हमेशा क्या कर देना है, जैसे 5+60/2 कितना हो गया 65/2 यानी कि 32.5, ये इसका आंसर है। अब आपको कैसे याद रखना है, ये आपको याद रखना है, जब भी हमारे समांतर श्रेणी में हो, संख्याएं कैसे हों, संख्याएं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी में हो। अब जी एपी क्या होता है बच्चों, समांतर श्रेणी वो होता है जहां अंतर एक सा हो, समान अंतर हो, क्या कहलाता है समांतर, एक सा अंतर, 5-5 जुड़ रहे हैं ना सभी जगह। ठीक है, तो औसत कैसे निकलता है, तो औसत निकलता है प्रथम प्लस लास्ट यानी अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, पहले और लास्ट को जोड़ो और बटे 2 कर दो जब भी समांतर हो। अच्छा, ये समांतर नहीं होते तो सभी का योग करते, 5 कॉमन ले लेते हम सभी में। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेते तो ये 1, ये 2, ये 3 और 12 तक, और योग करके तब करते। खैर, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से ही इनको ले तैयार रहना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।